नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिसंबर महीने का पहला हफ्ता अब खत्म होने को है, लेकिन प्रदेश में अभी तक भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बारिश के कोई आसार नहीं है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह की माने तो मानसून सीजन के बाद अक्टूबर, नवम्बर और दिसंबर महीने में 55 mm की बारिश देखी जाती है, लेकिन अभी तक इस मौसम के शुष्क रहने की वजह से -90% की कमी देखी गई है। वहीं मौसम निदेशक ने उम्मीद जताई है कि मौसम करवट बदलेगा और बारिश आने से शुष्क मौसम में बारिश की कमी भी दूर होगी। इस समय इस साल की अगर बात करें तो -90% जो इस समय जो अक्टूबर और नवंबर या सीजन की बात करें एज ऑन डेट तक जो है तो उसमें वो 90% डेफिशिएंट है। और अब ये है कि इस सीजन की अगर बात करें तो अभी अब हमारे पास 1 month जो दिसंबर है वो बचा हुआ है, तो उसमें कुछ स्पेल्स मिलनी चाहिए और ये जो अभी डेफिशिएंसी है इसमें थोड़ा कमी जरूर आएगी जो है। तो बात करते हैं सामान्य की, जो आप देखते हैं कि जो हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो पोस्ट मानसून सीजन है इसमें अगर और सीजन से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें सबसे कम जो है नॉर्मल आपको इस सीजन का मिलेगा। तो करीब 55 mm इसमें जो है पूरे सीजन में बारिश मिलती है। और उसमें से ठीक है कि जो हमारा अभी अक्टूबर और नवंबर ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है, -90% एफिशिएंसी है, लेकिन जब दिसंबर में जाते हैं तो एक दो स्पेल जो है वो मिलती है मिड दिसंबर के बाद जो है, तो मैं समझता हूँ फिर इसमें जो है जो अभी डेफिशिएंसी उसमें वो कमी आएगी। बाकी ईयर टू ईयर देखेंगे तो चूंकि नॉर्मल कम है तो वेरिएबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। किसी साल आपको देखेंगे कि अच्छी रेंज जो इन्हें मंथ में मिल जाती है, मतलब नॉर्मल से अभाव मिलेंगी, क्योंकि 2-3 सिस्टम अगर अच्छी रेंज दे जाए तो फिर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। आपको बता दें कि प्रदेश में बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में मौसम करवट बदले। हम सभी जानते हैं कि हिमालय के बिना धरती पर किसी का भी अस्तित्व नहीं है और ना ही कल्पना की जा सकती है, फिर भी हम आप इसे लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। स्थिति तो ये है कि केंद्र सरकार भी इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। पर्यावरणविद कई बार कह चुके हैं कि मौसम में बदलाव के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से ताल अब झीलों में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। उत्तराखंड में भी पिघल रहे हैं ग्लेशियर, मौसम परिवर्तन से पिघल रहे ग्लेशियर, साल दर साल झीलों का बढ़ रहा आकार। उत्तराखंड में पिघल रहे ग्लेशियर खतरे का सबब बन सकते हैं। खबर है कि सैटेलाइट डेटा के आधार पर उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 5 बेहद संवेदनशील है। साल दर साल मौसम में बदलाव की वजह से उत्तराखंड में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से हिमालय के ऊपरी इलाकों में कई झीलें बन गई हैं जिसका आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर भविष्य में झीलें टूटी तो हिमालय के किसी भी क्षेत्र में केदारनाथ जैसी आपदा आ सकती है। बहुत सारे ग्लेशियर लेक हैं पूरे देश में, है उत्तराखंड में भी कई हैं, जिसमें से 5 को संवेदनशील कहा है उन्होंने। किसी प्रकार से कोई खतरे की बात नहीं है, वहाँ पे टीम पहले भी जाती रही हैं। वसुधारा लेक में अभी हमारी टीम गई है, उनकी रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है, बट मेरी उनसे वार्ता हुई है, किसी प्रकार से कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। उत्तराखंड के 5 ग्लेशियर झील संवेदनशील। रायकाना ग्लेशियर में वसुंधरा ताल से खतरा। वसुंधरा ताल का तेजी से बढ़ रहा आकार। उत्तराखंड में जिन ग्लेशियरों का जिक्र किया जा रहा है, चमोली क्षेत्र में रायकाना ग्लेशियर में वसुंधरा ताल में झील विकसित होने की बात कही गई है, जिसका क्षेत्रफल और आयतन 1968 से बढ़ गया है। इस झील का क्षेत्रफल 1968 में 0.14 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 0.59 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल पर वाडिया इंस्टीट्यूट और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर 5 झीलों का अध्ययन किया। टीम ने लौटकर मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी। एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर हम उसमें क्या मेजर उठाने हैं करेंगे। और यह एक बार का कार्य नहीं है, इसे कई वर्षों तक ग्लेशियर को देखना होता है कि क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं,
उस चेंजेस के कारण कोई खतरा तो नहीं उत्पन्न हो सकता है, उन सबको देखते हैं। फिलहाल अभी किसी प्रकार से खतरे कोई संभावना नहीं है। झीलों पर आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। विनोद कुमार सुमन ने कहा, अभी चिंता नहीं, सर्वे करने वाली टीम की रिपोर्ट नहीं मिली है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं कि उत्तराखंड में 5 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील कहा गया है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वहां पर टीमें पहले भी जाती रही हैं और वसुंधरा झील में हमारी टीम गई है। हालांकि अभी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, लेकिन टीम से बातचीत हुई है, जिससे कहा जा सकता है कि कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर भी है चिंतित। शांति ठाकुर ने की हिमालय नीति की मांग। वर्षों से हिमालय संरक्षण पर कर रही हैं काम। इधर उत्तराखंड की रहने वाली शांति ठाकुर, जिन्हें आज सभी ग्लेशियर लेडी के नाम से जानते हैं, वो कहती हैं कि ग्लेशियर और हिमालय में मानवीय गतिविधियों में रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी अधिक हिमालय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, उतना ही हिमालय का तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है, जिसका नतीजा यह है कि आज गाढ़ गधेरे का अस्तित्व भी खतरे में है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज 33वां स्थापना दिवस संस्था का मना रही हूँ। इन 33 वर्षों में जो है ना, बहुत से अहितों को हित दिलाया, समाज के जो दबा कुचला वर्ग था उसको न्याय दिलाया, उसके लिए रात दिन काम किया और जीवन बदला। मेरा भूकंप 91 के बाद में बाहर आ गई थी, रेड क्रॉस के माध्यम से मैंने काम किया, तब से मैंने अपना जीवन को समाज के लिए अर्पण कर दिया था। आज जो समाज के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जो है ना बहुत अच्छे अच्छे मार्गों में वो समाज है, और कंप्यूटर से प्रशिक्षण दिया, महिलाओं के लिए काम किए, महिलाओं को साक्षरता पे बहुत वो किया। ग्लेशियर लेडी का सरकार पर आरोप। सरकार पर ध्यान नहीं देने का आरोप। सरकार गंभीर क्यों नहीं, समझ से परे। उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से चर्चित शांति ठाकुर कहती है कि ये समझ से परे है कि सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही। वो कहते हैं कि कई बार मैंने मांग की है कि हिमालय नीति बहुत जरूरी है। शांति ठाकुर कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट भी गई, जहां से सरकार को आदेश भी दिया गया। उत्तराखंड के कई लोग हैं जो पर्यावरण को लेकर गंभीरता से काम कर रहे हैं, जिनमें शांति ठाकुर का नाम भी शामिल है। आज 24 वर्षों से एक जो कार्य चल रहा है मेरे इस सब चीज के साथ साथ, जो हिमालय के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे कि मैं ज्यादा हिमालय के बारे में जो है लड़ रही हूँ, और हिमालय के बाद जो हिमालय के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, जिसके लिए मेरे बहुत से आंदोलन भी चल रहे हैं। आज जो है 24 साल पूरे हो गए हैं। मैंने सरकार को बार बार यही जताया कि हिमालय को हिमालय की तरह हमको रहने देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की धरती है, इसको हमको जो है ना सुरक्षित और संवर्धित रखना पड़ेगा। क्योंकि जो परिस्थितियां आज दिख रही, मैं 24 सालों से चिल्ला रही हूँ कि सारे नाले गाड़े आज सूख गए। आप देख रहे हैं आज जो है ना पानी की कमी पड़ गई, नदी नाले सारे सूख गए, और हिमालय की जो दशा है, जो हिमालय जो कट रहा है, जिस तरह से हिमालय की आज दशा हो रही है, आप लोगों के सामने है। क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हिमालय को जो है ना ये नहीं देखा कि उसको सुरक्षा की दृष्टि से देखा, हमने कहा हमारी कटिंग हो रही है। आज आप नालू पानी देखो, जरा पूरा पहाड़ नीचे आ रहा, तो इस तरह की जो कटिंग है हिमालय के लिए, सरकारों ने हर टाइम नेग्लिजेंसी दिखाई है। जबकि मैंने ना तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ा, ना मैंने जो है आप ये देखेंगे मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार पीआईएल डाल रखी है। ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में हिमालय। दिसंबर में भी अब तक बर्फबारी नहीं। बर्फबारी न होने से कारोबारी परेशान। प्रकृति और जलवायु को संजो कर रखने वाला हिमालय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। मौसम में परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पीछे की तरह खिसक रहे हैं। यही वजह है कि दिसंबर खत्म होने को है और चोटियां बर्फहीन है, जिससे देवभूमि के उन इलाकों के कारोबारी भी परेशान हैं, जहां बर्फबारी देखने के लिए देश दुनिया के लोग प्रत्येक साल उत्तराखंड की वादियों में आते हैं। सरकार पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रही, क्यों इतना लेजीपन दिखा रही है या सरकार का क्या इस तरह का स्वार्थ है जो हिमालय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और बार बार मैं ये कह रही हूँ कि भाई हिमालय नीति बननी चाहिए। हिमालय को जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय की हमारी जो एक सतह है, उसको हमको बचाना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो है ना, मैंने बार बार मैं यही बोलती हूँ कि जितना ऊंचे हिमालय क्षेत्र है उसको जो प्रतिनिधित्व बिल्कुल प्रतिबंधित इसलिए करना चाहिए, वहां पे ज्यादा मानवीय आवाजाही नहीं होनी चाहिए। तो मेरी बार बार यही प्रार्थना है, मैं अभी भी ये चाहूंगी कि अभी जो खो दिया हमने उसको जो है हम बिल्कुल बर्बाद ना करें, इसके लिए हमको कुछ ठोस कदम उठाएं। और प्रशासन जो बार बार जो है ना ये समिति बनाता है, इन सब इस समिति बनाने से कुछ नहीं होगा, हमको जो है ना उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो इस हिमालय को जी रहे हैं, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनकी बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा और हिमालय की सुरक्षा करना पड़ेगी।
केदारनाथ आपदा का दंश झेल चुका है प्रदेश। एक झटके में 6000 लोगों की गई थी जान। 2013 में चोराबाड़ी झील टूटने से मची थी तबाही। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मौजूदा वक्त में कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह हिमालय पिघल रहा है चिंताजनक बात है, और ये बात उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता और ना ही समझ सकता है, क्योंकि 2013 आपदा का दंश प्रदेश झेल चुका है। 2013 आपदा को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी, जिसमें सबसे बड़ी बात चोराबाड़ी झील का टूटना था, लिहाजा वक्त रहते इन बातों पर ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के पहाड़ियों में 24 घंटे से लगी आग को पर अब काबू भी पाया गया है। लगातार वनकर्मी इसमें डटे हुए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग, फायर कर्मी और फायर वाचरों के साथ स्थानीय लोगों की कोशिश के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। दरअसल बर्फबारी ना होने की वजह से पहाड़ी इलाकों के जंगल और बुग्याल पूरी तरह से सूखे पड़े हुए हैं। बर्फबारी ना होने की वजह से पहाड़ों में आग का खतरा भी बढ़ा हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद नंदा देवी राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। ज्योतिर्मठ के सेब काश्तकार इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वो चिंतित भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिना वैज्ञानिक की सलाह, तकनीक एक्सपर्ट, कटाई छटाई दवाई और समय पर कीटनाशक के उपलब्ध ना होने की वजह से भी सेब बागानों में बीमारियों ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि जो मदद उद्यान विभाग की तरफ से दी जाती है उससे अब उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सेब काश्तकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा बोलते हैं कि हिमाचल पैटर्न पर यहाँ पे खेती होनी चाहिए, हिमाचल पैटर्न में यहाँ पे उद्यानिकरण होना चाहिए, लेकिन मैं सरकार से एक अनुरोध चाहता हूँ कि हिमाचल की जो सरकार है, हिमाचल की जो दवाइयाँ अभी जोशीमठ के हाइट में जहाँ पे हूँ, 6.5 हाइट की ऊंचाई पे हूँ, यहाँ पे सेप है, रूट ब्रोर, पिंक डिजर्ट और कैंकर रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी जो देख रहे होंगे। इसका एक कारण ये है कि उद्यान विभाग के पास जो ये बीमारी है वो दवाई उपलब्ध यहाँ पर नहीं होती है। कृषि विभाग के पास जो यहाँ पर माल्टियाँ हैं उनके पास जो ये बीमारी है वो दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हर कोई काश्तकार उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। और न ही यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे जो उद्यान विभाग के जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग हैं, जब जब रोग होती है तो साल में कम से कम 2-3 बार इनको निरीक्षण करना चाहिए कि भाई कौन सी बीमारी। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, काश्तकारों को? विशाल जी देखिए, एक तरफ तो मौसम की मार जो है पूरे गढ़वाल हिमालय के जो काश्तकार है, जो किसान है, पर्यटन कारोबार से लेके जो बागवान, बागवान के लिए जो से फल पट्टी जो इस क्षेत्र जो जोशीमठ क्षेत्र के फल पट्टी प्रसिद्ध है, तो बागवान भी जो है मौसम की मार झेल रहे। तो वहीं दूसरी ओर जो इससे काश्तकारों का कहना है कि वर्ष भर से उनके जो पुराने बगीचे हैं, जो बागान है, उनमें तरह तरह की बीमारियों ने का घेरा बना हुआ है। ग्रीष्म काल से लेकर शीत काल तक फफूंद से लेकर के कई फंगस जनित जो है रोग इनके बगीचों को घेरे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से हिमाचल के तर्ज पे उद्यानिकी का एक सिगोपा छोड़ा जाता है उत्तराखंड के जो उद्यानिकी के क्षेत्र में, लेकिन जिस तरह से धरातल पे कार्य हो रहे हो सीमांत की जो फल पट्टी है उसमें अभी तक जो है जो जो यहाँ के सेब बागवान है उनको किसी तरह का जो फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि न तो यहाँ पे समय पे वैज्ञानिकों की जो है यहाँ पे सलाह जो है किसानों को दी जाती है, नहीं उचित जो मार्गदर्शन में यहाँ पे कटाई छटाई दवाई का कार्यक्रम होता है, और जो दवाइयाँ विभागों द्वारा यहाँ पर आवंटन की जाती है उस दवाइयों से ना के बराबर जो है यहाँ पे जो बीमारियां जो फसलों में जो सेब के पेड़ों पे लगी रहती है उनका निदान हो पाता। तो कुल मिला के जो बड़े सेब बागवान है वो काफी परेशान है, और
उनका ये कहना है कि सरकार से गुजारिश है कि भले आप जो सेब के जो बदलीस एप्पल के जो ब्रांडिंग करने की बात की जा रही है तो वो की जाए, लेकिन जिस तरह से धरातल पे अभी जो पुराने बागान है, सेब के बागान है, उनको दुरुस्त रखने के लिए, उनकी उनको बीमारियों से दूर रखने के लिए, साथ ही उनके जो मेंटेनेंस के लिए जिस तरह की योजनाएं हिमाचल प्रदेश के बागवानी बागवान लोगों को चलाई जाती है, उस तरह की अगर 20% की योजनाएं भी अगर जो उत्तराखंड के जो सीमांत पलपटी क्षेत्र है यहाँ पे किसानों को दी जाए, वो जानकारियां, वो तकनीकी जो योगदान होता है वो दिया जाए, तो यहाँ पे उद्यानिकी का जो जो कार्य कर रहे हैं अभी सीमांत के किसान जो है कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर जो है अब तक किसानों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा पिछले एक दशक से सीमांत के काश्तकारों के लिए संजीवनी साबित हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ जो किसानों के लगभग 750 किसानों के जो बीमा के जो दस्तावेज हैं वो वापस किए गए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात किसानों के लिए रही और किसान काफी परेशान है। उम्मीद थी कि अक्टूबर में दीपावली के टाइम पे हर समय जो है जो फसल का जो बीमा होता है रबी की फसल का, सेब की फसल का, तो किसानों को मिल जाता था, लेकिन इस बार जो काफी वक्त गुजर चुका है लेकिन जो सेब की जो फसल बीमा का क्लेम जो है किसानों को अब तक नहीं मिला है, जिसके चलते किसानों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जबकि 1 दिसंबर से जो नया जो फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा का कार्य का जो फॉर्म होता है उसको भरने का कार्यक्रम शुरू हो गया और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है, लेकिन इस जो सीमांत का सेब काश्तकार और पशुपेश में है कि अभी जो है पुरानी फसल का ही क्लेम नहीं मिला, तो दूसरी फसल जो अभी तैयार होने के कगार पे सूखा पड़ा हुआ है, तो पशुपेश में है कि नया फसल का बीमा करे ना करे, क्योंकि जब पिछला बीमा ही उन्हें अभी नहीं मिल पाया है तो किसान सोचने पे मजबूर है। तो इस तरह मौसम के साथ साथ जो बगीचे में बीमारियां हो रही है और साथ ही जो बीमा अभी तक नहीं मिला फसल का, तो 13 मार जो है तीनों तरफ से जो है काश्तकार जो है अभी जो जोशीमठ का काश्तकार है वो मार झेल रहा है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन को रोकने के लिए लाभकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अब इस पर पलीता लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रामनगर डिवीजन के डीएफओ पर सीएम के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने के भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि डीएफओ की तरफ से जंगलों में कटर मशीनें चलाने और सौगान के पेड़ों को अवैध कटान कराने के मामले में राज्य में हलचल मचा दी है। डीएफओ के इस कदम से स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और अब देखना यह है कि सरकार इन आरोपों की जांच कर दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई करने वाली है। हमारा जहां पर भी खरपतवार वगैरह होते हैं जो रोड साइड होते हैं, जिनसे अभी खासकर विंटर के टाइम पे मानव वन्य जो संघर्ष का घटना भी बढ़ते जाते हैं, तो उसको देखते हुए हम खरपतवार को सफाई करने का काम कार्रवाई चला रहे हैं। तो उसमें वही है, जो भी हमारे कोसी रोड के अगल बगल या हमारा भंडार पानी रोड के अगल बगल जो भी खरपतवार है उसको हटा रहे हैं जी। जिस मद में हमको पैसे मिल रहा है तो उसमें हम लेबर लगा के निकालते हैं। यूजुअली जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, अंदर का जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लेबर को लगा के वहाँ से निकालते हैं। जहाँ पर फंडिंग नहीं होता है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कि इस यहाँ पर भी सफाई करना है, वहाँ पर मशीन के द्वारा भी। लक्सर में हर्ष फायरिंग में आरोपी के माता पिता ने पुलिस के खिलाफ, साथ ही डीजीपी के खिलाफ भी आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर मारपीट और 30,000 रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के वकील के मुताबिक खानपुर थाना और गोवर्धन पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत दो युवकों के खिलाफ हर्ष फायरिंग संबंधी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने आरोपियों के माता पिता को जबरन घर से उठा लिया, साथ ही पीड़ित किसान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर 30,000 रुपये की मांग की गई। वही जब पीड़ित पक्ष पैसा नहीं दे पाया तो उसे हवालात में बंद कर दिया गया। चौकी में हर्ष फायरिंग का कोई मुकदमा दर्ज था दो लड़कों के खिलाफ। उस लड़कों के पिता को पुलिस ने रात को 11 बजे उठाया और इस आदमी संतरपाल की पत्नी को भी मारपीट किया, बिना महिला पुलिसकर्मी के घर में घुसे हैं, इसको उठा के लाए हैं, मारपीट कर रहे हैं, 30,000 रुपये की मांग कर रहे थे। ये बेचारा गरीब किसान 30,000 रुपये नहीं दे पाया तो उसको 151 में बंद कर दिया, जबकि पुलिस को उस धारा में बंद करने की पावर नहीं है जो उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा है हर्ष फायरिंग वाला।
पैसे नहीं दे पाया, बंद कर दिया, इसकी मैंने बेल कराई है। आज इसने डीजीपी को, शिकायत प्राधिकरण को, मानवाधिकार आयोग को, एसएसपी साहब को शिकायत भेजी है जी। शिकायत तो बच्चों के साथ में गांव में कुछ हो गया था, लड़ाई झगड़ा सा, तो उसकी वजह से हम पति पत्नी का तो कोई दोष नहीं है उसका। तो उसके बाद परसों पुलिस गई हमारे घर रात को 11 बजे, उन्होंने बाहर मेरे पति लेटे हुए थे, उन्हें पकड़ा, मार पिटाई की उनके साथ में, फिर आगे मेरे दरवाजे में लात मारी और फिर खोल नहीं रही, मैं दरवाजा खोला तो मुझ पे बहुत चिल्लाए, गाली गलौज करी, हमारी बाल्टी में लात मारी। पहाड़ों की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 109 पूरी तरह से बाधित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए अहम इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों महीनों से हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे क्वारब के पास मलबा आने से बाधित हो गया था। भारत सरकार में जबकि मंत्री भी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उसके बावजूद भी और कोई मंत्रालय होता तो उनके पास हम चलो मान लेते कि वो रेल मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, लेकिन सड़क परिवहन का मामला है, NH का मामला है, और उससे इतनी बड़ी दिक्कत हो रही कि लोगों को रानीखेत के रास्ते घूम के आना पड़ रहा। बारात का सीज़न चल रहा है, शादी ब्याह में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बाहर रानीखेत उनको आना पड़ रहा है। रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जा रहे हैं, सिर्फ बहाना ये होता है कि बाहर रानीखेत आ रहा है। हर चीज़ के, सब्जी के दाम 25% बढ़ गए हैं, खाने पीने के दाम बढ़ गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।